दोस्तों, बड़े पर्दे पर साल 1993 के बाद एक बार फिर से बाजीगर लौटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान जिन्होंने बाजीगर में अजय शर्मा, विक्की मल्होत्रा, सीमा का बॉयफ्रेंड, प्रिया का फ्लुएंसे का किरदार निभाया था, वो आपको फिर से नजर आने वाला है साल 2024 में रिलीज होने वाली है बाजीगर 2 में। तो वही मूवी के फर्स्ट पार्ट में एक्ट्रेस काजोल देखने को मिली थी और शाहरुख खान और काजोल की जबरदस्त जोड़ी ने बड़े पर्दे पर आग लगा दी थी और साथ ही मूवी उस टाइम में सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित भी हुई थी। तो एक बार फिर से अब्बास मस्तान कोशिश कर रहे हैं कि ये रोमांटिक थ्रिलर मूवी का सिक्वल बनाया जाए और इस मूवी में एक बार फिर से शाहरुख खान और काजोल देवगन लीड रोल में नजर आए। तो वही खबरों की माने तो इस मूवी में हमें शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना खान भी नजर आ सकती है, लेकिन उनका किरदार सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर रखा गया है। तो वही मूवी के मेकर्स की तरफ से खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि शाहरुख खान की जवान और पठान की सक्सेस के बाद और धूम 4 की अनाउंसमेंट के बाद से ही शाहरुख खान की इन कुछ मूवियों के सिक्वल बनाए जाएंगे। ऐसे में लोगों की मांग थी कि बाजीगर मूवी का सिक्वल बनाया जाए। तो वही आपको बता दें, मूवी के मेकर्स मूवी के सिक्वल को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वही बात करें मूवी के डायरेक्टर की, तो एक बार फिर से अब्बास मस्तान इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, शाहरुख खान की बाजीगर 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।